संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस और खुफिया एजेंसी बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है। अलग अलग टीमों का गठन कर घटना के तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस घटना को लेकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने जाँच तेज कर दी है। अब पुलिस इन आरोपियों के बैंक डिटेल से बैकग्राउंड तक सब कुछ खंगालने में जुटी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 50 टीमें 6 राज्यों में जांच कर रही है। ये टीमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में आरोपियों से जुड़ी हर एक छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। दरअसल 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर करीब 1 बजे 2 युवकों ने संसद में घुसपैठ की थी। दोनों युवक विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे, तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई, सांसद यहां वहां भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया था। इनकी पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई थी। लोकसभा के अंदर जब दो लोग कूदे, तभी संसद के बाहर पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए एक पुरुष और एक महिला को भी गिरफ्तार किया। दोनों कनस्तरों से कलर गैस का छिड़काव कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे। दोनों की पहचान अमूल और नीलम के रूप में हुई थी। इसके अलावा एक और अन्य आरोपी भी संसद के बाहर मौजूद था। उसका नाम है ललित झा। ललित झा ने संसद के बाहर के प्रदर्शन का वीडियो बनाया। उसके पास सभी आरोपियों का मोबाइल था। इसके बाद ललित फरार हो गया था। वो दिल्ली से राजस्थान भाग गया था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा राजस्थान में ललित की मदद करने वाले महेश कुमावत को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें राजस्थान में ललित और महेश कुमावत, महाराष्ट्र के लातूर में अमोल, हरियाणा के हिसार में नीलम, लखनऊ में सागर शर्मा, मैसूर में मनोरंजन डी की बैंक डिटेल, बैकग्राउंड और घरों की तलाशी में जुटी हुई है। स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को भी अपने साथ ले गई। नीलम के घर से बैंक डिटेल और कुछ किताबें बरामद की गई हैं। इसके अलावा सागर शर्मा से घर से भी उसकी डायरी बरामद की गई है। साथ ही उसके घर से उसकी 4 बैंक पासबुक भी बरामद की गई है। पुलिस इन खातों में हुए लेन देन की भी जाँच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सभी आरोपियों को लेकर जाँच पूरी हो जाएगी और इन्हें NFC स्पेशल सेल की टीम को सौंपा जाएगा। इसके बाद सभी को साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई है और उनके परिवार के सदस्यों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार को आरोपियों के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए और राजस्थान के नागौर से कुछ टूटे और जले हुए मोबाइल फोन के टुकड़े भी बरामद किए हैं। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई और उनके परिवार के सदस्यों के बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।